जैसे भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में बागड़ क्षेत्र का गांधी कहा जाता है, ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। सिरोही जिले के हाथल गांव में इनका जन्म हुआ। 25 जनवरी 1898 ईस्वी को गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। इसके बाद यहीं क्षेत्र में क्षेत्रीय पाठशालाओं में इनकी शिक्षा हुई और कुछ समय बाद 1920 से 1939 ईस्वी तक गोकुल भाई भट्ट बम्बई में रहे, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहे और वहीं से देश सेवा के प्रयास करते रहे। चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी के आंदोलन हो, उनमें उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे स्वदेशी को अपनाना हो और विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ऐसे विभिन्न कार्यों में सदैव ही गोकुल भाई भट्ट ने अपना योगदान दिया। करीब 1939 ईस्वी में ये वापस सिरोही आए और यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट गांधीवादी विचारधारा के व्यक्तित्व हैं। इन्होंने गांधीवादी तरीके से ही सदैव प्रशासन का, अंग्रेज सरकार का विरोध किया है। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और 1986 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट का जयपुर में देहांत हो गया। तो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी कहे जाते हैं भोगीलाल पंड्या, और महात्मा गांधी तो हैं ही जो पूरे विश्व में जन-जन की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। तो गोकुल भाई भट्ट के बारे में ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं।